वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स पिछले साल लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन लगा था कोविड के चक्कर में तब मैं ना नई नई चीज़ें ट्राई करते करते बोर हो गई थी तब मैंने ऐसी अपने एक कज़न भाई से पूछा यानी मेरा मेरा भाई है मैंने उससे पूछा कि कुछ बता ना मैं बोर हो रही हूँ कुछ नहीं आप बता करने के लिए तो उसने बोला था आ, दीदी आप ना और ट्राई करो उस समय तो मन नहीं किया बट इस साल मैंने ट्राई किया और उसी का एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं बताती हूँ तो पहले तो हम बनाएंगे ये चू चुका चिड़िया आपको पता है आप ना इसको किसी छोटे बच्चे गिफ्ट भी कर सकते हो पता है क्यों क्योंकि ये जो चिड़िया है ना वो फरफड़ -फर आती है सो यू कैन बेसिकली से कि जब चिड़िया उड़ रही है तो वो आके आराम से ऐसे लैंडिंग करेगी देखो ऐसे धीरे 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 ओके okay, चलो ट्यूटोरियल पे जल्दी चल से चलते हैं ओके जंप टू द वीडियो सो माय मॉम इज टीचिंग मी हाउ टू डू द ओरिगेमी फोल्ड्स फॉर दिस फ्लैपिंग बर्ड तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ठीक है हॉरिजेंटल वे में कागज को ये एक स्क्वायर पेपर है ठीक है तो वो ध्यान रखें कहीं रेक्टेंगल लेके मत बैठ जाना हाँ और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दोबारा से हाँ मतलब थोड़ा क्रीज अच्छे से बनाना वरना मुश्किल होगी बाद में जब फाइनल आउटपुट देना होगा बर्ड का एंड देन हम इसको खोलेंगे वापस से और हम क्रीज को देखेंगे और फिर हम इसको डायगनली ऐसे एक ट्रायंगल बनाने के लिए फोल्ड करेंगे अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो आप ये ज़रूर एकदम भी नहीं कर पाएंगे तो स्क्वायर लेना ना भूले। फिर हम दूसरा डायगोनल फोल्ड भी बनाएंगे ठीक इसी तरीके से जैसा कि इस वीडियो में हमें मम्मी दिखा रही हैं हाँ तो अब आप देखो क्रीज कैसे आ रही है अब हम ध्यान से देखो ये बीच से हम अगर ऐसे फोल्ड करके हम ये वाली क्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम इसको ठीक ऐसे एक और बड़े ट्रायंगल को ऐसे करके एक डायमंड शेप बनाएंगे बीच में तो वो आपने ध्यान से देखा ना कैसे किया इसको क्योंकि यहाँ पे अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो चिड़िया नहीं बन पाएगी ठीक उसी तरह दूसरी साइड से भी हम वही करेंगे उस ट्रायंगल को डायमंड में ले आएंगे अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे यहाँ क्या शेप आती है ये देखिए बीच में से ऐसे आना चाहिए शेप आपकी अब इस हा इस साइड को हम बीच वाले क्रीज पे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर उसको अच्छे से दबा लीजिएगा मेक श्योर कि वो कोने अच्छे से बन रहे हैं आपके और फिर सेम दूसरी साइड से भी करेंगे दबाओ दबाओ कागज को दबाओ सिरे सत दबाओ और दबाओ परफेक्ट अब हम दूसरी साइड से भी यही करेंगे सेंटर क्रीज जो हमें दिखाई दे रही है जो हमने शुरू शुरू में बनाई थी उसी के ऊपर हम इन सबको जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं मतलब कि हम उस पे लाके इसको छोड़ रहे हैं ऐसे दबा दबा के कहीं गम से चिपका ना देना अब देखो ये ऐसा लग रहा है अब हम इसको क्रीजेस को अच्छे से मोटा कर लेंगे आई I मीन mean, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो सही रहे ओह, ऊपर से तो दबाया ही नहीं फिर से दबाओ बच गए हमने खोला नहीं था दबाओ रे दबाओ दोनों साइड से दबाएंगे क्योंकि फिर इसकी क्रीजेस अच्छे से नजर आएंगी और हमें उसी पे मोड़ना है आगे तो कंफ्यूज ना होइएगा बस क्रीज बना रहे हैं हम आगे पीछे उसको हिला के फ्लैप को अच्छे से करो फिर चिड़िया बनेगी उरती, उरती। ही ही। मन कर गया था आप लोगों को बताते बताते गाना गाने का हाँ तो आप देखो हम इस लाइन से पकड़ के इसको ऐसे खोल के एक बड़ा सा डायमंड शेप बनाएंगे या ये काइट शेप बोल सकते हो सेम हम इस साइड के लिए भी करेंगे पता नहीं क्यों, बट अब मुझे लगता है कि हाँ मैं आगे बताती हूँ अभी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा अब देखिए हमने इसके एक साइड को ऐसे हम फोल्ड करेंगे और ये आया बैटमैन का डॉग की शेप लग रहा है ना बैटमैन का डॉग है ये मुझे उसका नाम याद नहीं पता नहीं क्यों क्योंकि मुझे बैटमैन देखने में इंटरेस्ट नहीं था पहले बचपन में दीदी बहुत देखती थी अब देखिए हमने ये ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और ये बनेंगे हमारे पंछी के फिर पंख इसीलिए अब पंख तो ऐसे सीधे रहेंगे नहीं तो उनको फोल्ड करना पड़ेगा ना ऐसे फोल्ड कीजिए अब ये पीछे से हम थोड़ा सा ऐसे पकड़ के नीचे की ओर करेंगे और एक क्रीज बनाएंगे क्योंकि अब चिड़िया का मुंह और पूंछ तो ऐसे एकदम सीधी होगी नहीं इसलिए हमें थोड़ा सा तो टेरा करना पड़ेगा है ना और इसको ऐसे बीच में से निकालेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करते हुए चिड़िया का मुंह बनाएंगे बिना मुंह की तो चिड़िया बन नहीं सकती इसलिए थोड़ा सा तो मुंह बनाएंगे ना आगे से उसकी चोंच बना लीजिए प्रेस करके सेम पीछे की पूंछ के लिए थोड़ा सा नीचे की ओर करके उसको दबाएं ठीक इसी प्रकार दबाएं और आपकी चलिया अब आप उड़ने के लिए तैयार है पहली बार जब आप पूंछ से खींचेंगे उसको थोड़ा सा जोड़ लगता है बट उसके बाद वो चिड़िया बहुत अच्छे से फर-फर-फर-फर फर करेगी ये देखिए हमारी चिड़िया है फर -फर 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 -फर, मैं आई 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 हाँ और इसकी आंख बनाना ना भूलें तभी तो ये चिड़िया आपको देख सकेगी है ना तो आपको मजा आया ना हाय ट्यूटोरियल अच्छा था हाँ, हम दो पंछी हैं हम अब हम गाना गाएंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रे पाएंगे कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे पर हम तो और ही के हैं हम तो खेलेंगे हम तो उड़ेंगे हमें पिंजरे में रख सकते हो पर हमारे दोस्त जो असली हैं उनको मत रखना